मेरी शादी नहीं हुई है, मैं स्वयंवर का हिस्सा थी, बट जो भी जोड़ी बनी है, आकांक्षा इज माय वेरी गुड फ्रेंड। मुझे बहुत दिक्कत होती बट आकांक्षा। हाय, माय नेम इज रिया किशन चंदानी और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पे। गाना बहुत अच्छा है, पेपी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पंजाबी है। पंजाबी गाने हम सबको बहुत पसंद है, क्लब्स में, शादियों में, हर जगह बजते हैं। सो दिस सॉन्ग इज रियली नाइस, मॉडर्न एंड पेपी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, बिकॉज आई हार्डली टेक लाइक 15 to 20 minutes, बिकॉज आई ऑलवेज कीप इट वेरी नेचुरल। तो बस मैं फटाफट आ गई जैसे भी, बिकॉज आप देख रहे हो ऑलरेडी टाइम हो गया इतना, एंड आई डिडन्ट वांट इट टू बी द लेट वन। जी, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं स्वयंवर का हिस्सा थी पर मेरी शादी नहीं हुई है। तो बेसिकली जैसे पंजाबियों में करवा चौथ होता है, वैसे ही हम सिंधियों में तीज होता है। एक अच्छे हस्बैंड के लिए हम ये फास्ट रखते हैं, तो बस मैंने फास्ट रखा था बस 2 दिन पहले ही। जी जी, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया। जितने मैंने DMs और मैसेजेस देखे, पीपल वर लाइक कि मेका जी ने आपको क्यों नहीं चूज़ किया, बट इट्स ओके। आई थिंक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, और सोच समझ के रहना चाहिए इंसान को। एंड जो लोगों ने मुझे नहीं पसंद किया, इट्स ओके। आगे और भी मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो डेफिनेटली मुझे पसंद करेंगे। स्वयंवर की जर्नी बहुत अच्छी रही है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेका जी इतने डाउन टू अर्थ होंगे, एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं एज अ पर्सन उनको पसंद करूँगी। नॉट मोर देन दैट, बट एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, ही इज़ अमेजिंग। जो भी जोड़ी बनी है, आकांक्षा इज माई वेरी गुड फ्रेंड, आई मीन शी इज़ वेरी नाइस एंड जेन्यून एज अ पर्सन। तो आई थिंक जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया। अगर बाकी की लड़कियाँ चूज होती तो मुझे बहुत दिक्कत होती, बट आकांक्षा इज द राइट डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेका जी की जगह पे होती तो आई वुड हैव चूजन आकांक्षा, बिकॉज ऑल दी गर्ल्स शो के हिसाब से ठीक होंगे, एक रियलिटी शो है उसके हिसाब से ठीक है, बट लाइफ पार्टनर के लिए मुझे तो कोई भी पसंद ही नहीं आया था। मेरी फ्रेंडशिप इतनी किसी से नहीं हुई, तो उस हिसाब से आई थिंक आकांक्षा इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेका जी। आने वाले हैं और भी रियलिटी शोज, बड़े रियलिटी शोज, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 रियलिटी शोज कर चुकी हूँ, एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ मी। मैं वहाँ पे कुछ कह नहीं सकती, उस मुझे कुछ अलाउड नहीं है कहना, मुझे एक्चुअली पता है कि कौन कौन है एंड मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो आपको वेट करना पड़ेगा। खतरों में मैं अभी जन्नत बहुत अच्छा कर रही हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी एज छोटी है, बट शी इज़ डूइंग रियली वेल। मैंने एक्चुअली उम्मीद, मुझे पता नहीं था कि मतलब इतने छोटे एज के लोग भी इतना अच्छे स्टंट्स कर सकते हैं, सो आई एम लाइक वेरी सरप्राइज, पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं सब दर्शकों को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे शो पे, पहले जितने भी मैंने रियलिटी शोज़ किए उसमें मुझे इतना पसंद किया उन्होंने, एंड आगे मैं आपको इसी तरीके से एंटरटेन करती रहूँगी और मेरे न्यू शोज़ के साथ।